जय दोस्तों, आज का ये स्पेशल वीडियो है सीआरपीएफ जीडी भर्ती 2023 के ऊपर जो वीडियो है, जो 2023 के अंदर सीआरपीएफ की जो भर्ती आने वाली है, चाहे देश की कुछ गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, दोनों के लिए, बॉयज और गर्ल्स के लिए ये बम्पर जो भर्ती आने वाली है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। हाँ, काफी जो गर्ल्स होती है बॉयज होते हैं फॉर्म भर देते हैं, लेकिन कुछ एक जानकारी के अभाव में उनके फॉर्म रद्द हो जाते हैं और वो भर्ती देखने जाते हैं तो उसमें देखते हैं कि हमारी हाइट तो उसमें कम है या हमारी पढ़ाई कम है, हमारी उम्र कम है, ऐसी कई प्रॉब्लम्स होती हैं। इन प्रॉब्लम को क्या है, आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको कितनी उम्र चाहिए, आपको कितनी आपकी लंबाई होनी चाहिए, कितनी आपकी एज उम्र होनी चाहिए इसके अंदर, और यहां तक ये बताऊंगा कितनी लंबाई होनी चाहिए आपको। मैं ये सारे पॉइंट कवर करूंगा, तो यहीं से बताता हूं। पहला पॉइंट है कि जो भी सीआरपीएफ जीडी की जो भर्ती है उसको आप देखना चाहते हैं, इसके बारे में जो भी जानकारी, अभी कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन 2023 का जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको मेरे उदय फौजी चैनल पे आपको सबसे पहले मिलेगा। आपको और भी आपको बताता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल के बटन को पक्का दबाए, जिससे जो भी मैं आपको वीडियो डालूंगा उसकी अपडेट आपको पास पहले पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। यहीं से बताऊंगा कि कितनी पढ़ाई चाहिए, तो इसमें पहला पॉइंट है पढ़ाई। आपको तो सीआरपीएफ की जो भी किसी भी देश के किसी भी हिस्से में रह रहे हो, जो किसी भी कैटेगरी में हो, वो सभी को लिए 10th पास होना जरूरी है। लेकिन 10th पास होना है इसमें, आप देख सकते हो 10th पास होना है और 10th में आपको पास ही होना है, स्पष्ट लिखा हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर कि आपके दृष्टि में 10th पास कर देंगे, बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, इसमें कोई अलग से नहीं किया गया, 10th पास होना चाहिए। अगर आपको जो ग्रेस लगा हो, चाहे सप्लीमेंट्री आई हो, चाहे कुछ भी हो, सिर्फ इसमें नॉर्मल होना चाहिए। आपके कितना 3rd डिवीजन हो चाहे 4th डिवीजन हो, आप 10th पास होने चाहिए। अगर 10th पास हो तो आप क्या कर सकते हो, सीआरपीएफ जीडी की जो भर्ती है उसको आप देख सकते हो। यहीं से सीआरपीएफ जीडी भर्ती 2023 की भर्ती में आपको सीआरपीएफ की भर्ती जो जीडी भर्ती आएगी उसमें आपको फिजिकल में क्या चाहिए, फिजिकल में सिर्फ आपको दौड़ चाहिए, सिर्फ आपकी दौड़ होगी, वो भी दौड़ होनी चाहिए, गर्ल्स की अलग है बॉयज की अलग है। मैं आपको बताऊंगा, आपको बॉयज की जो दौड़ होगी इसमें आपको 5 किलोमीटर आपको रन करना होगा, 5 किलोमीटर आपको रनिंग होगी, वो भी आपको 24 मिनट में आपको फिनिश करनी है। आपको 24 मिनट में आपको सिर्फ आपको यहाँ पर पास होना पड़ेगा, आपको यहाँ भी रन करना है 24 मिनट के अंदर। यहाँ पर जो कर देंगे, जो गर्ल्स होती है इनकी जो दौड़ होती है कितनी होती है, इसमें 1600 मीटर होती है, 1600 मीटर गर्ल्स को आपको लेना है, और 8.5 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, इसमें पास होना होता है। तो गर्ल्स के लिए होता है, बॉयज के लिए होता है 5 किलोमीटर, गर्ल्स के लिए होता है 1600 मीटर। देश के किसी भी राज्य में रहते हो आप, देश के किसी भी राज्य में रहते हो तो आपको क्या करना होगा, 5 किलोमीटर और 1600 मीटर आपको ये रनिंग करनी पड़ेगी। बॉयज की क्या देंगे 5 किलोमीटर होगी और गर्ल्स की 1600 मीटर होगी। यहीं से रहता है लद्दाख के लिए, जो लद्दाख के एरिया में जो रहते हैं, लद्दाख वालों के लिए क्या इसमें छूट होती है, इसमें तो लद्दाख के लिए क्या जो होते हैं उसमें जो बॉयज होते हैं उसको 1600 मीटर 6.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा, 1600 मीटर 6.5 मिनट के अंदर उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। और जो लद्दाख की गर्ल्स होती है उनको 800 मीटर रनिंग होगी, वो भी 4 मिनट की होगी, ये उनको कंप्लीट करनी, ये आपका होता है सीआरपीएफ ड्यूटी का फिजिकल। यही से मैं बताऊंगा आपको सीआरपीएफ जीडी भर्ती 2023 के अंदर उम्र सीमा कितनी चाहिए आपको। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले बताऊंगा आपको क्या उम्र सीमा जो इसके अंदर क्या है, कैटेगरी के हिसाब से आएगी। जनरल कैटेगरी की जो गर्ल्स और बॉयज जो होते हैं ये, उसकी जो उम्र सीमा होनी चाहिए 18 साल से लेकर 23 साल के बच्चे, चाहे इसके अंदर गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, जो जनरल के अंदर आते हैं वो 18 साल से 23 साल तक के बच्चे क्या देंगे, बच्चे इसमें भर्ती को देख सकते हैं। यही से बताऊंगा आपको एससी एसटी के अंदर, जो एसटी और एसटी कैटेगरी के अंदर जो आते हैं ये 18 साल से लेकर 28 साल तक के बॉयज एंड गर्ल्स इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें भर्ती को देख सकते हैं। जो जनरल के बॉयज और गर्ल्स होते हैं उससे एससी एसटी के वालों को क्या करता है, इसमें 5 साल एक्स्ट्रा मिलता है। तो इसमें क्या 5 साल तक और आप एक्स्ट्रा इसमें भर्ती को आप देख सकते हो। तो 28 साल तक के जो बच्चे हैं, 28 साल जिसकी उम्र हो रखी है, खत्म नहीं हुई है, वो 2023 दिसंबर तक अगर उसकी उम्र 28 साल है वो भर्ती को देख सकता है। तो यही से बताता हूं आपको, ओबीसी वाले जो जनरल होते हैं, जनरल कैटेगरी से जो ओबीसी वाले जो बच्चे होते हैं, जो गर्ल्स होती है, उसको क्या है यहाँ पर 3 साल एक्स्ट्रा मिलता है। तो यहाँ पर क्या 23 है तो यहाँ 26 हो जाती है। तो 18 साल से लेकर 26 साल तक के ओबीसी कैटेगरी के जो गर्ल्स एंड बॉयज होते हैं उस भर्ती को देख सकते हैं। यही से बताऊंगा सीआरपीएफ भर्ती 2023 के अंदर जो आपको लंबाई चाहिए,
जो पहले बताना चाहूँ, जो जनरल एरिया होता है, जो जनरल एरिया होता है, सभी को बच्चों को पता नहीं है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि मेरे ये जनरल एरिया में आता है कि नहीं आता है। फिर भी कुछ एक इलाके होते हैं, मैं उनके बारे में आपको बताता हूँ कि जो भी आपको डाउट होता है लंबाई के मामले में, मैं इसे ये मानता हूँ सर मेरी कितनी हाइट चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके मेरे कमेंट बॉक्स में आप जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब पक्का दूंगा इसका। पर जनरल एरिया जो होता है उसमें जो हाइट चाहिए वो कितनी चाहिए, बॉयज के लिए चाहिए 170 सेंटीमीटर, जानना जनरल एरिया में जो बॉयज के लिए चाहिए 170 सेंटीमीटर और गर्ल्स के लिए चाहिए 150 सेंटीमीटर, 157 सेंटीमीटर चाहिएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ मैं बता देता हूँ, कुछ एरिया जो हिमाचल का एरिया होता है, जम्मू का एरिया होता है, उत्तराखंड का एरिया होता है, जो डोगरा का एरिया होता है, काफी ऐसे इलाके जो पहाड़ी इलाके होंगे, तो उसके अंदर जो हाइट चाहिए होती है 165 सेंटीमीटर क्या होता है बॉयज के लिए चाहिए होता है और गर्ल्स के लिए 155 सेंटीमीटर चाहिए, 155 सेंटीमीटर क्या है गर्ल्स के लिए चाहिए। लेकिन जो नॉर्थ के एरिया होते हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के एरिया जो होते हैं, जो हम जान के देंगे मेघालय है, अरुणाचल है, ऐसे काफी एरिया होते हैं, वहां पर जो हाइट चाहिए बॉयज के लिए चाहिए 162.5 सेंटीमीटर, 162.5 सेंटीमीटर यहां बॉयज के लिए हाइट चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट के जो एरिया के अंदर जो गर्ल्स होती हैं उनकी हाइट चाहिए 152.5 सेंटीमीटर को हाइट चाहिए गर्ल्स के लिए चाहिए। तो ये नॉर्थ के जो एरिया होते हैं जिसके अंदर 7 स्टेट आते हैं उसके अंदर ये हाइट चाहिए। यहां लद्दाख का जो एरिया होता है, लद्दाख के जो बॉयज होते हैं गर्ल्स होते हैं, जो बॉयज की जो हाइट है 157 सेंटीमीटर और गर्ल्स के लिए है 152 सेंटीमीटर, सॉरी 152.5 सेंटीमीटर जो हाइट होती है जी वो गर्ल्स के लिए हाइट चाहिए। तो ये हुआ हाइट की चाहिए हाइट में। और भी किसी को लगता है कि मुझे सर मैं इस इलाके में रहता हूँ, इस स्टेट में रहता हूँ, तो मुझे कितनी हाइट चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं जवाब पक्का दूंगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर पक्का करें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक पक्का करें। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।